हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम ऑफ ईस्टर्न लॉर्ड गेमिंग और हमारी वीकली न्यूज़ में आपका स्वागत है। सॉरी, इस वीक में थोड़ा सा लेट हो गया कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एंड समथिंग अबाउट वर्क एंड ऑल थिंग्स, इट्स गोइंग ऑन तो, बट आई एम डूइंग बेटर और होपफुली फुली रिकवर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो हमारे इस वीक शो में भाई बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गेम्स के बारे में देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए कि ये पूरी वीडियो एंड टू एंड देखिए ताकि आपको इसमें बहुत सारा मज़ा आएगा। एंड यस गाइस, अगर आपको ये चैनल पसंद है, ये वीडियोस पसंद है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हमारी पहली न्यूज़ है बैटलफील्ड 6 के साथ रिलेटेड। यस, बैटलफील्ड 6 जो है वो जून 9th, मतलब इस महीने की जून 9th को उनका लॉन्च होगा। नहीं, आपने सही समझा, लॉन्च होगा। इट इज़ नॉट कि भाई आपको खेलने को मिलेगी अभी, इट्स नॉट रेडी टू प्ले। आपको रिवील किए जाएंगे इसमें गेम प्ले ट्रेलर और समथिंग लाइक दैट, वी एक्सपेक्ट दैट। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पे इसका लॉन्च किया जाएगा ऑन जून 9th, सो बी ट्यून्ड फॉर दैट। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि अभी बैटलफील्ड 4 जैसे आपने कुछ टाइम से देख रहे होंगे वो फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल रही है, तो मौका मत गवाइए। बैटलफील्ड सीरीज इज एन ऑसम गेम टू प्ले। तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नन अदर देन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल से। फिर से तो मेटल ग्राउंड मोबाइल से अपडेट आई तो नहीं है, मतलब नॉट ऑफिशियल क्राफ्टन की तरफ से, बट देयर आर लीक्स जो मतलब मल्टीपल डेवलपर को जो फोरम्स हैं उनके में जो क्राफ्टन से डेवलपर से, तो उससे कहीं से आपको लीक्स वगैरह मिल जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वर्ज और जैसे अदर टाइप की वेबसाइट्स हैं जो ये गेन करती हैं न्यूज़, तो उनकी तरफ से ये लीक न्यूज़ आई है कि ऑलमोस्ट इज पॉसिबल कि भाई जून 18th ऑफ दिस मंथ गेम को फर्स्ट प्लेबल मोड में लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। तो इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ भाई, कुछ ही दिन रह गए, आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई हमारे को वो गेम खेलने को मिलेगी, क्योंकि हमने प्री रजिस्टर कर लिया एंड आई होप एवरीबडी हैज़ डन नाउ टिल येट, क्योंकि ऑलरेडी 12 उनकी जो वेबसाइट पे इस पर टाइम दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से 20 मिलियन प्लस सब प्री रजिस्टर्स हो चुके हैं, विच इज़ ए ह्यूज अमाउंट एंड इट इज स्टिल काउंटिंग। नेक्स्ट न्यूज़ हम पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ रही है E3 2021 की। E3 अगर आप लोगों को नहीं पता है, जैसे मैंने लास्ट वीक में भी बताया था एक गेमिंग सुपर फेस्ट के लिए, वो एक बहुत नया मतलब होस्ट शो था रिगार्डिंग फॉर द गेम्स एंड ऑल, बट जो E3 है ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और इस साल का जो E3 अगर एक्चुअली काउंट किया जाए तो वो 26th E3 होगा, तो ऑलरेडी 26 साल हो चुके हैं, यू कैन से दैट। और बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम कोविड की वजह से उसको हमें इनको कैंसिल करना पड़ा E3 को, बट इस साल जो E3 होने जा रहा है वो होने जा रहा है वर्चुअल इवेंट। तो वर्चुअल इवेंट जो पॉसिबली होगा वो होना शुरू होगा, 3 दिन का इवेंट है और वो होगा जून 12th से जून 15th के बीच में। तो इसमें बहुत सारी गेम प्लेस, बहुत सारे नए गेम्स का लॉन्चेस, हार्डवेयर लॉन्चेस, हार्डवेयर के अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। जो मैंने पीछे गेमिंग सुपरफेस्ट के बारे में बताया था उससे कहीं कहीं ज़्यादा इसमें कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी के साथ एक और न्यूज़ जुड़ी हुई आ रही है E3 के साथ कि एक्सबॉक्स एंड बेथेस्टा, यस एक्सबॉक्स एंड बेथेस्टा गेम स्टूडियोज इस E3 में अपना स्टेज शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है एक्सबॉक्स माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली बेथेस्टा को टेक ओवर कर लिया था, उसके लाइसेंसेस को टेक ओवर कर लिया था। तो नाउ दे हैव बिकम वन पेयर सिस्टर एंड पेयर कंपनी। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो एक कुछ उनकी जो स्नैपशॉट्स वगैरह उन्होंने लॉन्च की हैं उस इवेंट के लिए 12 से 15 के में, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो उससे समझ आता है कि हेलो इन्फिनाइट एंड स्टारफील्ड फ्रॉम बेथेस्डा के
मेगा गेम ट्रेलर्स को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि हेलो इन्फानाइट पे काफ़ी टाइम से, और इवन स्टारफील्ड पे, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब 2018 में बेथेस्डा ने इसको फर्स्ट डिक्लेयर किया था, ये उनकी 25 साल में पहली बारी नई गेम आ रही है, फुल डिफरेंट सीरीज ऑफ गेम आ रही है। तो उसका अब एक्चुअली कहा जा रहा है कि फुल गेम प्ले आएगा, फुल गेम प्ले ट्रेलर आएगा, सॉरी टू से दैट। तो होप्स फॉर द बेस्ट, और ये दोनों गेम्स बहुत जल्दी लॉन्च होंगी। तो हमारी अगली न्यूज़ है अपना रिगार्डिंग टू हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में एक बहुत ही धमाकेदार खबर आ रही है, ये कि भाई एनवीडिया ने आरटीएक्स 3080 Ti को डिक्लेयर कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और ये जो लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका जून 3 पे, और उसके साथ उन्होंने आरटीएक्स 3070 Ti को भी डिक्लेयर किया। बट अगर आप 3080 Ti के बारे में बात करें, तो 3080 Ti RTX कार्ड इज़ सुपीरियर कार्ड जो उन्होंने लास्ट ईयर में 3080 वर्जन लॉन्च किया था। और बट ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल वे में उन्होंने लॉन्च किया, इन कंपैरिजन टू जो उनका टॉप मॉडल है 3090। और वो कह रहे हैं कि इसके जो 3080 Ti के स्पेक्स हैं, वो कंपीट करेंगे 3090 से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लेवल पे, बट स्मॉलर पैकेज में, क्योंकि 3090 बहुत बड़ा कार्ड है और 3080 Ti उससे काफ़ी छोटा कार्ड है। इट्स जस्ट 12 पिन कार्ड, और इसमें वी रैम भी कम है, क्योंकि 3090 में आपको 24 GB एंड ऑल रैम वी रैम मिल जाती है, बट इसमें जो टॉप वी रैम 3080 Ti में आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 12 GB की। तो इसका जो लॉन्च या रिलीज डेट पे इसका प्राइस उन्होंने डिक्लेयर किया था, वो है $1199, विट्स नॉट अ बिग स्मॉल अमाउंट टू से दैट। तो इसी के कारण थोड़े से प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम इसकी बात करें, तो प्रॉज में इनका जो प्लस माइनस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये डेफिनेटली 1440p और 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, और इसमें DLSS टेक्नोलॉजी तो है ही है। प्लस साथ के साथ इसका जो ओवरऑल फैन एंड सिस्टम है, वो बहुत ही क्वाइट है एज़ कम्पेयर टू 3090। अगर हम कॉन्स की बात करें, तो ठीक है, ये 3090 से छोटा है, बट स्टिल 12 पिन पोर्ट सिस्टम होने के कारण इट स्टिल कंसिडर टू बी अ बिगर RTX कार्ड। और हाँ, ये आपके 3080 से कंपैरेटिवली उसमें एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा हीट भी जनरेट करेगा। तो दीज आर फ्यू कॉन्स, बट अगर आपको पावर हाउस चाहिए, तो वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग, एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट। तो बट आई गेस 3080 Ti का जो लॉन्च एंड रिलीज है, वो शुड बी सक्सेसफुल, उसकी मार्केट में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, आई होप दैट। बट जो सीनैरियो अभी तक पिछले सालों से चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है, और जो मैंने आपके फर्दर वीडियोस, पिछले वीडियोस में भी उसकी डिस्कशन की है, तो देर इज़ अ ग्राफिक कार्ड शॉर्टेज, क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रही है। तो अब वो 3080 Ti के इस लॉन्च को कितना सक्सेसफुल बना पाएंगे, लेट्स सी दैट। एंड विद दैट, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट वी न्यूज़। तो ये न्यूज़ है हमारी F1 2021 गेम की। तो F1 2021 गेम का लॉन्च, मतलब रिलीज ऑफ गेम प्ले ट्रेलर एंड ऑल, बहुत लिमिटेड यूट्यूब से वीडियोस या यूट्यूबर्स के चैनल के थ्रू दिखाया गया था। तो उसमें ये अब खबर नज़र मिल के आ रही है कि इसमें कुछ अपडेट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, जो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि जो इस टाइप की कार रेसिंग गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेसिफिकली F1 टाइप की रेसिंग्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, फॉर देम इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि भाई उसमें उन्होंने RTX मोड को सपोर्ट करने के लिए सेटअप कर दिया है, और मतलब रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करेगा F1 जो 2021 गेम है, उसमें उन्होंने नए टायर मॉडल्स को इन्वॉल्व किया है। इवन उसमें उन्होंने ये भी किया है कि आप जो मेन, अगर आपको पता है, वर्ल्ड रिनाउंड ड्राइवर्स हैं लाइक स्कुमाटर स्कुमाकर एंड सेना, उनको एज अ सेकंड ड्राइवर भी आप ऑप्शन चूज कर पाएंगे, अगर जब आप टीम्स में बात करेंगे इन द रेसिंग वर्ल्ड। और उसमें एक उन्होंने स्पेसिफिक फीचर भी ऐड किया है कि
आपका जो अब कार का मतलब फ्लोर है उसमें डैमेज भी आएगा, उसमें डैमेज भी काउंट होगा। अब पहले क्या होता था कि जो अगर आप किसी कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन द गेम, तो और आप रोड के एंड जो बम्प साइड को अगर हिट करते हैं तो यू डिडंट फेल्ट द डैमेज, बट अब आपका फ्लोर डैमेज सामने आएगा इफ यू ट्राई टू ओवरटेक एंड हिट दैट बम्प अंडरनीथ योर फ्लोर ऑफ द कार। तो उसके लिए आप प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू विन। एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट गेम एंड नेक्स्ट न्यूज़। मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बहुत स्लो नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी न्यूज़ कवर करनी है एंड मैं नहीं चाहता कि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी बन जाए और आप लोगों को उसके कारण प्रॉब्लम फेस हो। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है नॉकआउट सिटी के रिगार्डिंग। अगर आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई एक्सबॉक्स गेम पास पे अंडर ईए प्ले नॉकआउट सिटी को डिक्लेयर किया गया है फ्री टू डाउनलोड। तो अगर आपको ये नहीं पता कि नॉकआउट सिटी एक्चुअली है वेरी रीसेंट गेम है और वो मई 22, 2021 को ही लॉन्च हुई थी ईए के थ्रू। एंड अब उसमें उन्होंने ईए वालों ने कहा है कि आप इसको एक्सबॉक्स गेम पास पे फुल्ली डाउनलोड तो कर ही सकते हो, अंडर ईए प्ले फुल्ली डाउनलोड तो कर ही सकते हो, पर साथ के साथ आप इसको सेपरेटली ईए की वेबसाइट से या फिर अपना आप इसको एपिक गेम स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो अंडर फ्री ट्रायल वर्जन, जिसमें आपको लेवल 25 तक फ्री खेलने को मिलेगा अंडर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन। तो भाई बहुत बढ़िया न्यूज़ है जिन लोगों ने अगर ये गेम को अगर खरीदने का सोचा हुआ है या दे वांट टू ट्राई इट, लेवल 25 तक उनको मल्टीप्लेयर खेलने का मिलेगा। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, तो डोंट वेस्ट द टाइम क्योंकि बहुत जल्दी हम भी उसका एक गेम प्ले करेंगे और उसके बारे में रिव्यूज़ आपके सामने लाएंगे। लेट्स अगेन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। और ये फिर से हार्डवेयर वर्ल्ड से रिलेटेड है और इसमें आ रहा है आपका सोनी PS5 की न्यूज़। जी हाँ, सोनी PS5 को मई 27 को फिर से रीस्टॉक करके थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स इन इंडिया लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट एंड ऑल लॉन्च किया गया था फॉर रीसेल एंड रीस्टॉकिंग की गई थी। बट वही कहानी सेम दोहराई गई, फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर ही वो स्टॉक ख़त्म हो गया। बट उसमें बेस्ट बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने भी इसको प्री बुक किया मई 27 को, उनको जून 7 तक उसकी डिलीवरीज मिल जाएंगी। बट इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सून जून के एंड में वो एक बारी दोबारा से रीस्टॉक करेंगे और फिर से लॉन्च करेंगे इंडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो भाई बहुत खुशी खबर है, सोनी इज़ ट्राइंग टू पुश द थिंग्स ऑन अ बेटर वे। सो अगली गेम अब है हमारी वेलरेंट, और उसकी न्यूज़ आ रही है कि भाई लाइक एपेक्स लेजेंड्स और लीग ऑफ लेजेंड्स टाइप की गेम्स के बाद रॉयट ने डिसाइड किया है कि वेलरेंट, यस वेलरेंट उनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स रिसेंटली जो काउंटर स्ट्राइक के कंपटीशन में उन्होंने राइज की थी और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रही है। आई गेस मोर देन 14 मिलियन प्लेयर्स आर देयर इन दैट गेम, और वो गेम अब आ रही है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत जल्द। उन्होंने अभी कोई डेट वगैरह लॉन्च नहीं किया एंड डेफिनेटली मैं आई थिंक कि भाई इट विल नॉट बी इन दिस ईयर, मे बी 2022 में, बट उन्होंने डिक्लेयर किया इट्स कन्फर्म्ड दैट सून इट विल बी कमिंग। सो फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं मोबाइल पे उसका गेम प्ले कैसा रहेगा। तो अब इसी के साथ हमारा अब सेक्शन शुरू होता है जो हम हर वीक में कवर करते हैं, दैट इज यस PlayStation Plus और Xbox Game Pass के अंदर नया क्या आया है। तो क्योंकि अब जून महीना आ गया है, नेक्स्ट मंथ आ चुका हुआ है, तो अब PlayStation Plus में नई गेम्स का उन्होंने डिक्लेयर किया है जो फ्री टू प्ले होंगी। तो इसमें तीन गेम्स जो हैं वो फ्री टू प्ले मेजर गेम्स जो आ रही हैं वो है, पहली है स्टार वॉर्स स्क्वाड्रंस। एंड स्टार वॉर्स का जब मैं नाम लेता हूँ, ईए स्पोर्ट्स का के साथ जुड़ी हुई गेम है और उसमें मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार वॉर्स जो एक बहुत ही पॉपुलर मूवी सीरीज रही है और उसके ऊपर बेस्ड गेम है जेडाई वॉर्स एंड ऑल, तो यू हैव टू बी रिपब्लिकन और एन एम्पायर सपोर्टर। तो आपकी रिपब्लिक और एम्पायर की होती है फाइट एंड
अगेन स्टार वॉर्स स्क्वाड्रन्स, मतलब स्पेस फाइट्स एंड ऑल की कहानी है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फन इन दैट. सो डू ट्राई इट इफ यू गाइज हैव प्ले स्टेशन प्लस. अगली गेम जो आ रही है प्ले स्टेशन प्लस में, दैट इज वर्चुआ फाइटर 5. इफ यू गाइज डोंट नो, वर्चुआ फाइटर 5 बहुत ही पुरानी फाइटर सीरीज टाइप की गेम है, रेट्रो गेम्स के टाइम से चल रही है. और बट अब रिसेंटली क्या किया है कि वर्चुअल फाइटर 5 का उन्होंने अल्टीमेट शोडाउन का एक रीमेड रीलॉन्च किया है, और वो जो रीमेक है वो उन्होंने HD वर्जन में लॉन्च किया है, और उसी रीमेक को अब आप प्ले स्टेशन प्लस के अंडर फ्री में प्ले कर सकते हैं. तो भाई बहुत सारा है, जैसे टेकन टाइप की अगर गेम्स को, फाइटिंग टाइप्स की गेम्स को आप पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल लव दिस गेम ऑल्सो. सो डू चेक इट आउट. अगली गेम जो आ रही है प्ले स्टेशन प्लस में, वो एक यूनिक, एक डिफरेंट टाइप की गेम है. बहुत कम गेम्स शायद ऐसे, मैंने तो देखी नहीं कोई गेम ऐसी. उसका नाम है ऑपरेशन टैंगो, और ऑपरेशन टैंगो जो है वो है एक डिटेक्टिव टाइप एस्पियोनेज स्पाई पाई बेस्ड गेम, पर वो आपको खेलनी पड़ेगी कोऑप में, इट इज नॉट इन सिंगल प्लेयर. और स्पेसिफिक बात इसमें अचंभे वाली बात क्या है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ कोऑप में इसको खेलोगे, तो इट्स नॉट लाइक नॉर्मल कोऑप में आप एक ही जगह पे स्टार्ट हुए और आपने गेम खेलना शुरू कर दिया दोनों प्लेयर्स ने. नहीं, इसमें दोनों जो प्लेयर्स होंगे वो होंगे डिफरेंट पॉइंट्स में उस पर्टिकुलर मिशन को पूरा करने के लिए, और उनका जो कम्युनिकेशन हो होगा सिर्फ वॉइस चैनल के थ्रू. और इस गेम के लिए माइक होना मस्ट है, इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो भाई बहुत ही डिफरेंट टाइप की गेम है. आई होप इस टाइप की गेम, मुझे अभी तक जो पता है ऑपरेशन टेंगो शायद एक्सक्लूसिव टू प्ले स्टेशन है. आई हैव नो नॉलेज कि भाई अभी वो PC एंड और एक्सबॉक्स वर्जन्स पे भी आई है कि नहीं, बट जो गेम प्ले है और गेम है उसको देख के लगता है भाई बहुत ही यूनिक गेम है, इट्स अ फन गेम. तो हम अब मुड़ते हैं प्ले स्टेशन के बाद, आती है एक्सबॉक्स गेम पास की बारी, और इस बारी भी भाई वीकली एक्सबॉक्स गेम पास तो बहुत ही बम्बार्डमेंट ऑफ गेम्स कर रहा है, बहुत सारी गेम्स को बम्बार्ड किया है उन्होंने. आई गेस 5 गेम्स हैं जो इन्होंने इस बारी, मतलब मेजर गेम्स हैं जो उन्होंने लॉन्च की हैं इसके अंडर टू प्ले. तो उसमें से सबसे पहली गेम जो आ रही है वो है सोलेस्टा क्राउन ऑफ द मैजिस्टर, और ये जो गेम है वो है एक सिंगल प्लेयर RPG जिसमें आप खेलते हो, मतलब ये उस टाइप की गेम है जिसमें आपने एक पर्टिकुलर टाइप के हीरो को सिलेक्ट किया, उसकी यूनिक एबिलिटीज़ हैं, एंड विद दैट आप उसको चाहे सिंगल प्लेयर में या मल्टीप्लेयर में जाके आप उसको अक्रॉस द उसकी स्टोरी लाइन को कवर अप करते हो, और यू गो फॉर इट द एक्शन. तो बहुत मस्त गेम है, इसकी वीडियो वगैरह देख के तो खेलने में बहुत मज़ा आएगा लगता है. तो डू चेक इट आउट, डू चेक इट आउट इफ़ यू आर इनटू दोज RPG गेम्स. तो अगली गेम हमारी है ह्यूमन फॉल फ्लैट, और अगर जिन लोगों को अगर फॉल गाइस टाइप की प्लेटफॉर्मर फिजिक्स बेस्ड गेम पसंद है, तो उनको ह्यूमन फॉल फ्लैट भी खेलने में बहुत 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 मज़ा आएगा, क्योंकि ये गेम भी बहुत ही मस्त है, मैंने इसको खेला हुआ है. इसमें आपको डिफरेंट टाइप के पजल्स और लेवल्स को क्रॉस करना है, तो आप इसको सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, कोऑप और मल्टीप्लेयर में भी ऑनलाइन खेल सकते हैं. तो भाई डू चेक आउट दिस गेम इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस. तो बहुत ही फन गेम है, काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे. तो अब ये गेम भी फ्री में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है अंडर एक्सबॉक्स गेम पास. तो अगली गेम जो है वो है स्लाइम रैंचर. सो ये कोई AAA गेम टाइप नहीं है, इसमें आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये सिंगल प्लेयर RPG है मेरे ख्याल से, ये सिंगल प्लेयर RPG है. और इसमें क्या है कि आपका एक मेन करेक्टर है बीट्रिक्स करके, जो जाता है एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ लाइट्स ऑफ ईयर्स दूर अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट पे अपने सर्वाइवल के लिए, और वहाँ पे उसका मेन टास्क होता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट मिशंस कवर करने, और वो मिशंस कुछ और नहीं, वहाँ पे जो डिफरेंट स्लाइम टाइप के क्रीचर्स हैं उनको कलेक्ट, उनको पकड़ लेना है, उनको मतलब उसके पास, उसमें कुछ वैक्यूम टाइप गन है इस गेम में, जिसके कारण वो अपने उन स्लाइम टाइप क्रीचर्स को सक कर लेता है उस गन के अंदर. तो अगर वो जितने लेवल ऑफ मिशंस हार्ड होते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ स्लाइम्स अटैक होंगे,
और अगर आप उसको कवर करते हैं सो देन यू गेट रिवॉर्ड्स एंड लाइक दैट वो अपना वहाँ पे लिविंग कर रहा है. सो दैट इज़ द स्टोरी एंड द सिंगल प्लेयर गेम अबाउट. तो अगली गेम जो आ रही है वो है स्पेल फोर्स सोल हार्वेस्ट. और जो ये गेम है वो है एक मतलब आप कह सकते हैं एक रियल टाइम स्ट्रेटेजी और रियल अपना आरपीजी गेम का मिक्सचर टाइप्स है. और इसमें आपका जो मेन मोटिव है कि इसमें आप चाहे डार्क एल्फ या ड्वार्फ मतलब ड्वार्फ फिल्म के हीरोज या अपने ग्रुप्स को ले सकते हैं और आपको एक दूसरे से फाइट करके इसको खेलना है. तो बहुत डिफरेंट टाइप की गेम नहीं है बट बहुत नॉर्मल गेम है. तो जिन लोगों को रियल टाइम स्ट्रेटजीज और आरपीजी टाइप गेम्स को पसंद करते हैं तो उनके लिए ये गेम डू चेकआउट वाली टाइप की गेम है. तो एक बार इसको खेलने चाहिए. अगर आपके पास एक्सबॉक्स गेम पास है तो आप उसको फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हैं. तो अगला जो हमारा गेम है वो है कोनन एग्जाइल्स. कोनन एग्जाइल्स बाय नेम तो ये आपको लग रहा होगा कि भाई कोनन द बारबेरियन टाइप की जो मूवी थी इंग्लिश मूवी थी तो उसके बेस पे अपना कोई गेम है. बट नहीं ऐसा नहीं है. हाँ ये ज़रूर है कि कोनन द बारबेरियन का उन्होंने जो लैंड का कंसेप्ट है उस एरा का कंसेप्ट है वो उठाया हुआ है. और उसमें आपको कुछ करना नहीं है. आपको इसमें एक पर्टिकुलर टास्क यही है कि आप इसको चाहे सिंगल प्लेयर में खेलें या मल्टीप्लेयर ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में खेलें आपको अपने रीजन्स अपने फोर्ट्स को या पूरे पूरे टाउन्स को डेवलप करना है और आपको अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करना है एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन बिल्डिंग्स एंड ऑल. तो भाई यू कैन से एक एज ऑफ एम्पायर्स टाइप की फीलिंग भी मिलेगी आपको इसमें साथ के साथ आपको इसमें एक्शन भी मिलेगा. तो वेरी फन गेम टू प्ले है. अगर आप देखा होगा कि जैसे एक रस्ट टाइप की गेम है या फिर हम जो अभी हमने गेम का जिसका वीडियो भी किया था कुछ टाइम पहले वेलहाइम की टाइप की गेम है जिसमें आपको सर्वाइवल भी करना है आपको बिल्डिंग्स भी बनानी है ठीक है और आपको दूसरों पर अटैक भी करना है. तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट. पर इसमें जो एरा दिखाया हुआ है कोनन द बारबेरियन जो मूवी है उसके बेस पे उन्होंने वो एरा दिखाया हुआ है. तो ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम भी है और सिंगल प्लेयर लोकल गेम भी है. तो आप उसमें बहुत मज़ा कर सकते हैं एंड वेरी फन गेम टू प्ले. और जो हमारी इसमें लास्ट गेम आ रही है सीरीज़ में वो आ रही है मैन ईटर. तो मैन ईटर जो है वो एक डिफरेंट टाइप का इसमें कंसेप्ट है. आप पिक्चर्स या उसके वीडियोस को देखेंगे इस पर्टिकुलर गेम के तो आपको ये समझ आएगा कि इसमें आप एक एज अ शार्क का करेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड यू स्टार्ट विद अ बेबी शार्क. और आपको धीरे धीरे जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है सी की उससे अपने आप को बचा के रखना है अपने आप ग्रो करना है चाहे वो ह्यूमंस हैं या चाहे वो वाइल्ड लाइफ है उनसे बचाना है. और आपको एक फिरोशियस शार्क में डेवलप होना है जिसमें आप दूसरों के लिए अटैक करो उनको मतलब उनके ऊपर उनको अगर किल करके आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो. तो इसमें लेजेंडरी लेवल्स पे आप पहुंचा जा सकता है. बहुत डिफरेंट टाइप की गेम है बट येस फन टाइप गेम्स है. तो जो इस टाइप की गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो दे कैन डू चेक आउट दिस गेम. तो इसी के साथ हमारी अब जो आज की न्यूज़ का होता है अंत और यही थी हमारी आज की न्यूज़. आई होप यू विल लाइक इट और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को चैनल को भी. तो इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अगले वीक बहुत सारी न्यूज़ के साथ. तो इसी के साथ गुड बाय एंड बी सेफ इंडिया.